उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर नेम प्लेट लगाने के हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य के फैसले से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के ऐलान का कांग्रेस के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं। ये नेता जल्दी ही आलाकमान से बाकायदा शिकायत भी करने वाले हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को यह कहा कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी वाले जो हैं उनकी फोटो लगे लाइसेंस दिए जाएंगे। इन्हें दुकानों के बाहर ये लगाना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि इस पोस्ट के साथ विक्रमादित्य सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली वो खबर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के होटल और ढाबों को लेकर ओनर और कर्मचारियों की आईडी लगाने का फैसला लिया गया है। तो अब इसको लेकर कांग्रेस के अंदर ही विरोध होना शुरू हो गया है। आलाकमान से शिकायत करने की बात भी कही गई है। तो ये वो पोस्ट है जो विक्रमादित्य सिंह ने कही है, यानी हिमाचल में हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर ओनर की आईडी लगनी जरूरी है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। यह पोस्ट किया है विक्रमादित्य सिंह ने और इसमें योगी आदित्यनाथ का वो जो आदेश उनकी तरफ से जारी किया गया था फोटो समेत वो उसका भी हवाला दिया गया है। इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स विच इज अबाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन दिस पर्टिकुलर केस बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। मगर निश्चित तौर से क्योंकि चुनी हुई सरकार है इसलिए प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करना और प्रदेश में सुरक्षा को बनाए रखना ये सरकार का दायित्व बनता है। और जो भी बाहर से आ रहा है वो भी प्रदेश के अंदर आए, मगर जैसा मैंने कहा कि जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ और कोई अगर कोई हार्मनी है उसको बनाए रखना ये भी सरकार का दायित्व बनता है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक में वो आदेश की जिसकी बात विक्रमादित्य सिंह को अभी आपने सुना वो कर रहे थे कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इसके लिए पिछले कल ही अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बैठक में ये निर्देश डायरेक्शन जारी कर दिए गए। आप देखिए इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ की वो जो आदेश था उसका हवाला दिया गया है। और अब ऐसे में कांग्रेस जो है जो अंदर कुछ और नेता हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं और आलाकमान से शिकायत करने की बात भी हो रही है। और ये तस्वीर जो दूसरी है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से आदेश जारी किया गया था योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला पूरे एक्शन। ऐसा बताया जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूरे मामले को कैसे संभालना है, आगे क्या करना है, इसकी रिपोर्ट और सलाह कांग्रेस आलाकमान को दे दी है। राजीव शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस आलाकमान ने इसके लिए पार्टी के मीडिया विभाग को आज पक्ष रखने का निर्देश भी दिया है। आज कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अपना आधिकारिक पक्ष रख सकती है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को बताया कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल में नेम प्लेट लागू करने की खबरें बिल्कुल भ्रामक हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी इस मामले पर कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस एक कंफ्यूज्ड पार्टी है क्योंकि कन्विक्शन तो है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य है कि कोई भी चीज अगर देश के या देश की जनता के या यूपी की जनता के या किसी भी प्रदेश की जनता के हित में हो तो उसका विरोध करना है, क्योंकि बीजेपी कर रही है, क्योंकि मोदी कर रहे हैं, क्योंकि योगी कर रहे हैं। अब देखिए जो निर्णय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लिया था रेस्टोरेंट स्ट्रीट वेंडर्स एडिबल आइटम्स बेचने वाले लोगों के विषय में उसी को कांग्रेस पार्टी ने भरपेट गालियां दी और आज वो हिमाचल की सरकार ने कहा कि इसको हम लागू करेंगे, बहुत अच्छा कदम है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट का है, पब्लिक के इंटरेस्ट का है। विक्रमादित्य जी ने इसकी अनाउंसमेंट की